नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाथ में सीमेन रेखा कहाँ पाई जाती है और कैसी होती है। आपने कई लोगों के हाथ में देखा होगा एक सीधी रेखा पाई जाती है जो इसमें दिख रही है। जब हृदय रेखा एवं मस्तिष्क रेखा एक हो जाए तो इस प्रकार की हाथ को सीमेन रेखा कहा जाता है। इस रेखा को कपी रेखा भी कहा जाता है क्योंकि कपी माना माने होता है बानर, और यह रेखा बानरों के हाथ में देखी जाती है। कई लोग आधा ज्ञान होने के कारण इसे इस प्रकार की रेखा वाले जातक को हठी स्वभाव का भी कहते हैं क्योंकि बानर हठी होते हैं, परंतु यह गलत है। इसकी आकृति ऐसी होने के कारण इसे कपी रेखा कहा जाता है, परंतु लक्षणों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। यह रेखा जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक के ऊपर एक हो जाती है तो यह देखा गया कि मनुष्य में दिल और दिमाग दोनों से कार्य करने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार के जातकों के बारे में कुछ विशेषताएं होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा देखी जाती है, देखा गया है, वह अपने कार्य को करने के लिए बहुत ही फोकस्ड होता है। वो किसी भी काम को करने में बहुत अगर सोच ले कि उसे यह कार्य करना है तो बहुत ही फोकस्ड होकर वह कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं डीप थिंकर भी होते हैं, पर उस हिसाब से काम नहीं करते। यह भी है इस प्रकार के जिन व्यक्तियों के हाथ में रेखा होती है वे बहुत ही डिटर्मिनेट होते हैं, इमोशनल लेस होते हैं, क्योंकि यह दिल की बजाय दिमाग से ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा यह ज्यादा घर में भी किसी से ऐसे इमोशनल अटैच नहीं होते क्योंकि यह सोचते हैं कि इनके ये दिल से डिसीजन लेना ज्यादा प्रेफर नहीं करते एज कंपेयर टू माइंड। सो अपन कह सकते हैं ऐसे लोग थोड़े इमोशनलेस भी होते हैं। इन जैसे लोगों को पैसे कमाने में बहुत ही रुचि होती है, पर यह भी है कि ऐसे लोग देखे गए हैं एक कह सकते हैं कि न ज्यादा बहुत ही ऊपर जाते हैं ना मीडियम रहते हैं, एक बीच की योनि जो होती है ना श्रेणी, उसमें ये सर्वाइव करते रहते हैं। अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं इस प्रकार के लोग, अपर मिडिल क्लास के होते हैं, एक अच्छा पैसा कमा लेते हैं, पर आप कहें कि बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा पैसा कमा ले धनवान बन जाए तो ऐसा नहीं है, यह एक अपर मिडिल क्लास श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की रेखाएं, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये किसके प्रधान की है, ये हृदय प्रधान है या मस्तिष्क प्रधान है। अगर देखा जाए हृदय रेखा एवं मस्तिष्क रेखा नीचे हो तो ये देखा गया है मनुष्य अपने दिल से ज्यादा डिसीजन लेता है एज कंपेयर टू माइंड, पर इसके विपरीत अगर मस्तिष्क रेखा ऊपर हो और हृदय नीचे तो यह देखा गया है मनुष्य दिमाग से डिसीजन ज्यादा लेता है, वह किसी की बातों में आना पसंद नहीं करता, वह अपने दिमाग से खुद सोच के फिर डिसीजन लेता। अगर मैं इनकी और बताऊं, इनमें आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा होता है और आत्मबल बहुत ही अच्छा होता है। ये किसी भी कार्य को बहुत ही आप कह सकते हैं नेकता पूर्वक करते हैं। इनमें छल कपट की भावना बहुत कम होती है। इनका मानना यह होता है कि अपना देंगे नहीं और किसी और का लेंगे नहीं, तो इसलिए इन पर विश्वास किया जा सकता है। यह विश्वास पात्र भी अच्छे होते हैं। इन लोगों की विशेषता एक अच्छी होती है कि ये अल्प आयु नहीं होते, ये बहुत ही दीर्घ आयु होते हैं। इनकी एज बहुत ही अच्छी होती है, 70 एज मिनिमम क्रॉस करते ही है। अगर इनके ओवरऑल पाम की अगर रीडिंग की बात की जाए तो आप देखेंगे, अगर और बात करें आगे तो इनकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स की लेंथ पाम की कंपैरिजन में छोटी है, जो एक हड़बड़ी में डिसीजन लेने वाली प्रवृत्ति को बताती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग। इन यह लेजी हैं, लेजी होते हैं इस प्रकार के लोग, जिनका सीमेन रेखा के भी एक लक्षण है और जिसके कहते हैं हाथ हथेली बड़ी है एवं फिंगर्स छोटी हैं। ऐसे लोगों के अंदर लेजीनेस ज्यादा होती है, वह काम करने से ज्यादा दिमाग से काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे लोगों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी होती है। इस प्रकार का व्यक्ति देखा गया है बिजनेस की तरफ इनकी विशेष रुचि होती है, इनको खुद का स्टार्टअप करना
खुद का एक व्यापार करने में बहुत ही अच्छी रुचि होती है, देखी गई है। अगर मैं और आगे बढ़ू इनके पाम के लिए, तो इनका शनि क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, जो इनके डिजीनेस स्वभाव को बता रहा है, जो और भी चीजें इंडिकेशन कर रही हैं। शनि पे अगर अच्छे से देखा जाए तो खड़ी रेखाएं हैं, जो एक से ज्यादा रूप से धन कमाने की संकेत कर रही है, ये अपने जीवन में एक से ज्यादा जरियों से धन कमाएंगे। यहाँ पे इनकी अगर लिटिल फिंगर की बात की जाए, लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंच रही है। यह इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्तियों में बोलने की अच्छी क्षमता देखी गई है। इनके अंदर स्टेज फियर नहीं होता, यह बोलते बहुत अच्छा है, इनमें मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे सीधी खड़ी रेखाएं इनके अट्रैक्टिव स्वभाव को बता रही हैं, और फिंगर्स तो सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर को दर्शा रही हैं। और अगर आगे बढ़ा जाए तो अगर देखें गुरु पर्वत पर, अगर गौर से देखें तो इनके एक रेक्टेंगल की आकृति बन रही है, जो यह दर्शाती है कि यह अपने जीवन में अच्छी संपत्ति ग्रहण कर लेंगे। अगर मैं आगे बढ़ूं और अगर देखूं लग्जरीज के मामले में, अगर देखा जाए तो पहले मैं इरेज कर लेता हूं, थोड़ा यहीं पे लग्जरी का पॉइंट देखते हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो यहां से भाग्य रेखा से गुरु के क्षेत्र पे जाने वाली कुछ रेखाएं हैं, जो इनके लग्जरी और अपॉर्चुनिटी लाइंस कहलाते हैं। ये लग्जरी अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट कर रही हैं। यह लाइन अगर देखा जाए, एज के आंकलन किया जाए, तो यह लाइन इनकी 25 की एज से निकल रही है, जो कि यह बता रही है कि 25 की एज पे इन पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो अगर ये ग्रैब कर लें तो आगे चल के इनको बहुत ही फायदा होगा। शुक्र के क्षेत्र में रेखाएं बहुत हैं, जो इनके माइंड में होने वाली समस्याओं को बता रहे हैं कि जे बहुत ही परेशान रहते हैं, थोड़ा अड़चने बहुत आती हैं, कोई भी कार्य करने में अड़चने अड़चने बहुत बहुत आती आती हैं, हैं, क्योंकि क्योंकि मंगल मंगल का का क्षेत्र क्षेत्र भी भी इनका इनका थोड़ा थोड़ा सा सा प्रभावित प्रभावित है, है, जो जो कि कि इनका इनका दबा हुआ लग रहा है। मंगल के क्षेत्र से एक निकल रही है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि इनके बनते बनते काम बिगड़ते हैं। थंब का साइज इनका मीडियम है, जो एक नॉर्मल इंडिकेशन दे रहा है कि ना ज्यादा बुरा है ना ज्यादा अच्छा है। पूजा पाठ के प्रति इनका झुकाव कम है, क्योंकि यहाँ से कोई ऐसी विशेष रेखा निकलती नहीं दिखाई दे रही है, जो अध्यात्म की तरह इनकी रुचि जुड़ाए। भाग्य रेखा को क्षेत्र की ओर झुकाव लेना, उधर से एक रेखा कुछ निकलना, यह इंडिकेट इंडिकेट करती करती हैं हैं कि कि ऐसा ऐसा व्यक्ति व्यक्ति अपने अपने जन्म जन्म स्थान स्थान से से दूर दूर तरक्की तरक्की करता करता है। है। तो तो यह यह चीज चीज मैं मैं बताना बताना चाहता चाहता हूं हूं कि कि इन्हें इन्हें अपने अपने जन्म जन्म स्थान स्थान से से थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाना जाना चाहिए, चाहिए, यह यह इनका इनका तरक्की तरक्की में में बहुत बहुत ही ही फायदा फायदा देगा, देगा, इन्हें इन्हें तरक्की तरक्की वहीं वहीं मिलेगी। मिलेगी। सूर्य का क्षेत्र नॉर्मल है, जो एक और उधर एक सीधी खड़ी रेखा इंडिकेशन दे रही है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे जी जीवन में। अगर व्यापार की बात की जाए, क्योंकि इनका सवाल ये भी था कि गुरुजी हमें व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि बुद्ध बुद्ध के क्षेत्र पर भाग्य से निकलकर आप अगर देखें तो एक परी से लाइन जा रही है, और ये पूरे बुद्ध की ओर जा रही है, जो यह बताती है कि इन्हें व्यापार के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए, स्किल्स को गेन करके इन्हें अपने व्यापार में यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। यह व्यापार में बहुत ही तरक्की करेंगे, और एंड ऑफ द डे यह व्यापार ही करेंगे, चाहे जो भी कर रहे हैं अभी, जो भी कार्य कर रहे हो, पर इन्हें व्यापार में ही सबसे ज्यादा तरक्की मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जानकारी के लिए आप आगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे और अच्छी जानकारी आपके पास आती रहे। धन्यवाद।